गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो लेक्चर में। हमें बिल्कुल नहीं पता कि स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस कब ओपन होंगे, लेकिन जब तक वो ओपन नहीं होते हैं आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसी मकसद के साथ मैं सारे वीडियो लेक्चर्स आप सबके लिए बना रहा हूँ। आपके 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स में मैंने अभी तक ग्रामर और टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स आप सबको दिए हैं। आज बारी है स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल्स आपके गुजरात बोर्ड के पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 40% का है। हाँ बेटा, 40% यानी 100 में से 40 मार्क्स। और ये वो सेक्शन है, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, जहां पे मैक्सिमम मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं मेजरली तीन कारणों से। रीजन नंबर वन, ये जो सेक्शन है सेक्शन डी सेक्शन ई, ये पेपर के आखिर में होते हैं, तो यूजुअली वहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है, फॉर्मेटिंग की गलतियां होती हैं, और यहां पर प्रेजेंटेशन के मायने बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से मार्क्स कट जाते हैं। दूसरा रीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। राइटिंग स्किल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बच्चों के अंदर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती। हम अक्सर देखते हैं जस्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन स्टूडेंट यूजुअली कॉल्स अप हिज फ्रेंड्स और हर फ्रेंड्स एंड आस्क देम, डू यू हैव अ फॉर्मेट ऑफ ईमेल, प्लीज टेल मी व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन अ नोटिस। आप अगर एक दिन पहले प्रिपेयर करके सोचते हो कि आप नोटिस राइटिंग में, ईमेल राइटिंग में, जॉब एप्लीकेशन में फुल ऑन फुल स्क्रॉल करोगे, आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट फेस, देयर इज नो प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल। हमारे पास गुजरात बोर्ड की तरफ से बहुत लिमिटेड जानकारी है, इसीलिए कई सारे बच्चों को मिस इंफॉर्मेशन मिलती है, गलत जानकारियां मिलती हैं, जिसके चलते वो टॉपिक्स को गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और मार्क्स गवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं एक राइटिंग स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। आपके राइटिंग स्किल्स जैसे मैंने बताया दो सेक्शंस में बटे हुए हैं, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन डी के अंदर 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 5th क्वेश्चन होता है 3 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक आएगा। वो 3 टॉपिक्स हैं नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग या फिर ईमेल राइटिंग। अब इन 4 में से, सॉरी 3 नहीं 4 टॉपिक्स होते हैं, नोटिस, नोट मेकिंग, ईमेल एंड एडवर्टाइजमेंट। यस, एडवर्टाइजमेंट आल्सो देयर। तो इन 4 में से कौन सा आएगा नहीं पता, क्या एक दूसरे के ऑप्शन में आएंगे नहीं पता, इसलिए इन चारों टॉपिक्स को सीखना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू लर्न ऑल ऑफ देम। और उन्हीं में से आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं। सो समय वेस्ट किए बगैर फटाफट आज का टॉपिक शुरू कर। नोटिस राइटिंग। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक नोटिस है क्या। आपने आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड से नोटिस राइटिंग लिखना सीखा है। 10th स्टैंडर्ड में तो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का इंपॉर्टेंट टॉपिक था ही, ये वैसे भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं क्या है नोटिस। अ नोटिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि नोटिस क्या है। ये एक जानकारी है, एक इंफॉर्मेशन है। एप्लीकेबल एट स्पेशल प्लेसेस। आपने अपने चारों ओर नोटिसेस को देख रखा है। आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। आपकी सोसाइटी के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ गेट, ये एक नोटिस है। आपने कई लोगों के घरों के बाहर बोर्ड देखा होगा, बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्ता अति सावधान, वो भी एक नोटिस है।
रेस्टोरेंट्स में आपने कई बार नोटिस देखा होगा नो स्मोकिंग, वो एक नोटिस है। थिएटर्स में आपने देखा होगा आउटसाइड ईटेबल्स नॉट अलाउड, वो भी एक नोटिस है। तो नोटिसेस आपके इर्द गिर्द है। आजकल आप हर जगह देखते हैं वेयर मास्क, इट्स अ नोटिस। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी एक नोटिस है। तो नोटिसेस हमें सराउंड किए हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द हर जगह नोटिसेस भरे पड़े हैं। समझे बेटा? आइए नोटिस राइटिंग को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नोटिसेस। नोटिसेस कितने प्रकार के होते हैं? नोटिसेस बेटा दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस एंड गवर्नमेंट नोटिसेस। एक है ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस, दूसरे हैं गवर्नमेंट नोटिसेस। गवर्नमेंट नोटिसेस और ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होते हैं। जैसे आप लोग अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, तो आप उस रेस्टोरेंट में स्मोक नहीं कर सकते, वहां से बाहर जाके कर सकते। उसी तरह से मूवी थिएटर्स में लिखा होता है आउटसाइड ईटेबल्स नॉट अलाउड, तो बाहर से लाई हुई चीजें वहां नहीं खा सकते, लेकिन बाहर तो खाई जा सकती है। उसी तरह से आप लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिरों में लिखा होता है नो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड इनसाइड द टेंपल प्रीमाइसेस। मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर आप नहीं कर सकते, बट आउटसाइड दैट यू कैन डू दैट। समझे बेटा? तो वो ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। जबकि गवर्नमेंट नोटिसेस तब इशू किए जाते हैं जब कोई इमरजेंसी हो या कोई सडन डिसीजन लिया गया हो। जैसे मोदी जी ने यार सडनली अनाउंस किया था 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, नेक्स्ट डे अखबारों में छप गया, ये थे गवर्नमेंट नोटिसेस, जानकारी दी आपको। या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर ऑर्डर निकालता है कि मास्क पहनना जरूरी होगा, ये गवर्नमेंट नोटिसेस है। समझे बेटा? तो गवर्नमेंट नोटिसेस जो है वो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो पे, टीवी पे, कहीं भी डाले जा सकते हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि मास मीडिया में डाल देना और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस उस ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे आपको मिलेंगे। नाउ हमें क्या सीखना है? हमारे सिलेबस में गवर्नमेंट नोटिसेस नहीं है। फ्यूचर में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को परस्यू करते हैं आर्ट्स में, तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। तो हमारे सिलेबस में क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस। अब ऑर्गेनाइजेशनल नोटिस के अंदर कितने टाइप्स हैं? सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस। अब ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस कितने होते हैं और हमको कितने सीखने हैं? जितने होते हैं सारे सीखने हैं, तीन। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो संस्था के कामकाज का हिस्सा हो। प्रोस्पेक्टिव अब बड़ा है, आपने 10th स्टैंडर्ड का जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो एक स्कूल तक लिमिटेड था, लेकिन अब एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक नोटिस इशू करना हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, एक हाउसिंग सोसाइटी नियम बना रही है कि पार्किंग जो है वो सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स को मिलेगी, और जो सोसाइटी के मेंबर्स नहीं है वो अपनी गाड़ी बाहर पार्क करेंगे, तो उसके लिए भी तो नोटिस इशू करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा भी होगा, कई सारी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर बोर्ड लगा रहता है, विजिटर्स प्लीज पार्क योर व्हीकल्स आउटसाइड। समझे? तो ऐसे कई सारे नोटिसेस हैं। किसी कंपनी को अपना टाइमिंग फिक्स कर देना है कि एम्प्लॉयज को सुबह इतने बजे आना है, इतने बजे एग्जिट होना है, साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, तो ये सब कुछ नोटिसेस के थ्रू जाता है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स, ये छोटे छोटे इवेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू। कई सारे इवेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में सेलिब्रेट भी होते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन डे, स्कूल के लेवल पे देख लीजिए डिबेट कॉम्पिटिशन, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल
लॉस्ट एंड फाउंड। अब लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर क्या होगा, या तो कुछ खो गया होगा या तो कुछ मिला होगा। स्कूल में आपका क्या हो सकता है, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, बैग, बुक, रिस्ट वॉच, गोल्ड चेन, कोई की चेन, कोई चाबी, कंपस बॉक्स, पाउच, ये चीजें खो सकती हैं। क्या मिल सकता है, जो खो सकता है वही मिल सकता है। स्पोर्ट इक्विपमेंट से फॉर एग्जांपल बच्चे अपने साथ खेलने के लिए वॉलीबॉल लेके आए, घर ले जाना भूल गया, मिल नहीं रहा है, तो लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर ये चीजें कवर होंगी। और लास्ट स्पेशल नोटिसेस। अब ये क्या है, आइए समझते हैं। ऐसे नोटिसेस जो प्री प्लान्ड नहीं थे, जो ऑल ऑफ अ सडन करने पड़े, जैसे से फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसके चलते स्कूल 3 दिन बंद रखना पड़ेगा। आप सबको अगर याद हो तो लास्ट ईयर ये हुआ था, लास्ट ईयर अहमदाबाद में इतनी अच्छी खासी बारिश हुई थी कि 3 दिन स्कूल्स की छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ी थी, आने वाले 3 दिन फोरकास्ट बहुत खराब है। उसी तरह से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने समर वेकेशन को 15 दिन एक्सटेंड कर दिया था क्योंकि हीट वेव थी, 7 जून से स्कूल खुलने थे उसकी जगह 22 जून से स्कूल खुले, हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा। तो ये ऑल ऑफ अ सडन होता है। से फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर का एग्जाम्पल ले लीजिए, नवरात्रि हॉलीडेज डिक्लेयर हो गए, सॉरी कई सारे स्कूल्स को अपनी एग्जाम पोस्टपोन करनी पड़ गई। तो ऐसी चीजें जो प्लान्ड नहीं है, जिनका हमने प्लान नहीं बनाया है, अनप्लान्ड है, उनको कहा जाता है स्पेशल नोटिसेस। एग्जाम प्रीपोन कर लेना, पोस्टपोन कर लेना, हॉलीडे डिक्लेयर कर देना, इसके अलावा यूनिफॉर्म चेंज कर देना, सिलेबस का चेंजेस कर देना, टाइम टेबल बदल देना, ये सारी चीजें कवर होती हैं स्पेशल नोटिसेस। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है नोटिस राइटिंग का। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं, अ नोटिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल एट स्पेशल प्लेसेस। उसके अंदर टाइप्स ऑफ नोटिसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ऑर्गेनाइजेशनल एंड गवर्नमेंट। और ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस में पहला ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स, लॉस्ट एंड फाउंड एंड स्पेशल नोटिसेस। तो ये आप लोगों का बेसिक लेआउट है। इसका मार्किंग स्कीम, नोटिस कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इन जस्ट 1 मिनट टाइम। तब तक आप ये बोर्ड का वर्क कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस। अब इन ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस को फ्रेम कैसे किया जाए, इसको बनाया कैसे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर अगर आपकी गलती हुई आपके मार्क्स चले गए। अब आइए मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। से फॉर एग्जाम्पल मुझे, हमारा स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल में होने वाले किसी कॉम्पिटिशन का नोटिस बनाना है, स्कूल के होने वाले किसी इवेंट का नोटिस बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल नोटिसेस में हमारा पहला वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कोई कॉम्पिटिशन हो, कोई सेलिब्रेशन हो। अब मैं इसको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से ले रहा हूं, हाउसिंग सोसाइटीज और कंपनीज का एग्जाम्पल तो मैं आपको करवाऊंगा ही, लेकिन मैं सबसे बेसिक एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं ताकि आप लोग रिलेट कर सकें स्कूल का। तो एक नोटिस बनाया कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, और एक नोटिस के अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेट। तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले सेंटर में आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का नाम। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं अंडरलाइन का मतलब होता है एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, सेंटर में कैपिटल्स में आएगा नोटिस। अगेन एक लाइन लीव करना है,
लेफ्ट हैंड साइड आपको मेंशन करना है डेट, जैसे आज का डेट है 10th June 2020, ठीक है। अगेन एक लाइन लीव करना है और सेंटर में आएगा हेडिंग, ठीक है। अगेन एक लाइन लीव करना है। आप बोल रहे होंगे सर बहुत लाइन लीव कर रहे हैं, अरे सप्लीमेंट्री पूरी तुम्हारी है बेटा, जैसे मन चाहे देखो, ठीक है। सो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, हेडिंग, ये लिख देने के बाद आपका यहां से शुरू होता है कॉन्टेंट। दिस इज टू नोटिफाई या फिर इन्फॉर्म। अब बेटा आपने प्रीवियसली जो नोटिसेस सीखे थे उसमें क्या हुआ करता था, लेटर की तरह स्टार्ट किया जाता था, डियर स्टूडेंट्स, पर ये लेटर नहीं है, ये नोटिस है। तो वो स्ट्रेट अवे शुरू होता है दिस इज टू नोटिफाई या फिर इन्फॉर्म। उसके बाद आपका कंटेंट आता है जिसकी वर्ड लिमिट 40-50 words की है, यानी 40 से 50 शब्दों के अंदर आपको अपना कंटेंट खत्म कर देना है। उसके बाद एक लाइन और लीव करनी है और फिर आता है बाय द ऑर्डर ऑफ, मतलब इश्यूइंग अथॉरिटी, ये नोटिस बनाया तो देन यहां पर अथॉरिटी का नाम और उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन, समझे बेटा। तो ये बन जाता है आपका फॉर्मेट। क्या ये कंप्लीट है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि नोटिस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो बॉक्स में ना आ जाए। प्रॉपर बात कहूं तो बॉक्स बनाने के भी मार्क्स हैं, इसीलिए बॉक्स बनाना मैंडेटरी है। अब इसकी मार्किंग स्कीम भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो पूरा ध्यान दीजिएगा। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बेटा, इतना हिस्सा, यानी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, हेडिंग, ये चीजें मिलाकर आपका कंटेंट बनता है 1.5 मार्क्स का। इतना हिस्सा 1.5 मार्क्स देता देता है। ये हिस्सा यानी बॉक्स वाला हिस्सा, सॉरी कंटेंट वाला हिस्सा, इसका वेटेज है 2 मार्क्स का। ये जो बाय द ऑर्डर ऑफ यानी अथॉरिटी का आपने लिखा, उसका वेटेज है 0.5। अब आप कैलकुलेट करिए कितने मार्क्स होंगे, 4। तो पांचवा कहां गया? पांचवा मार्क है ये बॉक्स बनाने का, 1 मार्क है, समझे बेटा। तो अगर आप बॉक्स नहीं बनाते हैं आपका 1 मार्क तो सीधा कट जाएगा। अब कई सारे बच्चे तो बहुत शैतान होते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे सर सिर्फ बॉक्स बना के आ जाए तो 1 मार्क मिल जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसे गिमिक्स करना भी मत। एग्जाम में जितना अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, क्लीन प्रेजेंटेशन दोगे, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंटेंट कैसे बनाया जाता है, ये 2 मार्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर इस पूरी पेपर पैटर्न को आप तोड़ के देखें तो आपको दिखेगा कि ये 2 मार्क का हिस्सा है। इस 2 मार्क वाले हिस्से में ही हमारे अक्सर मार्क्स कट जाते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाए, अब आइए उसके रिगार्डिंग भी बात करते हैं। कंटेंट जो होता है बेटा, उसका काम करते हैं 5 W's। ये 5 W's याद कर लिए आपका कंटेंट कभी गलत जाएगा, खास करके नोटिसेस ऑफ इवेंट्स। कौन से ये 5 W's? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड होम, ये है हमारे 5 W's। मतलब कंटेंट आप लिखते वक्त इसी फ्लो में जाएं। पहला व्हाट इज हैपनिंग, मतलब कौन सा इवेंट हो रहा है, व्हेन इज इट हैपनिंग, कब हो रहा है, वेयर इज इट हैपनिंग, कहां हो रहा है, हु कैन पार्टिसिपेट, कौन कौन उसमें हिस्सा ले सकता है, एंड होम टू कॉन्टेक्ट, किसको परमिशन है इसके लिए कॉन्टेक्ट करने की, कौन होगा अथॉरिटी जिसके पास आप जाकर बात कर पाए, ठीक है बेटा।
ये बेसिकली पांच डब्ल्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, आज एक ट्रिक खेल रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। आज मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा आपको, आज आप लोगों ने लेक्चर में देखे हुए वीडियो के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं और वो नोट्स नोटबुक में लिखकर मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, पता तो चले कितने बच्चे सीरियसली वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बेटा, सो ये जो आज मैंने आप लोगों को सिखाया ये था बेसिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ नोटिसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोटिस राइटिंग का काम शुरू करेंगे। COVID-19 के चलते हमारे होम वीडियो लेक्चर्स की ये सीरीज में आज आपका राइटिंग स्किल्स शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ लेक्चर्स तक हम राइटिंग स्किल्स ही करेंगे। हम रोटेशन पॉलिसी पे ही काम करते हैं बेटा, ग्रामर टेक्स्ट राइटिंग स्किल्स, अगेन ग्रामर टेक्स्ट एंड राइटिंग स्किल्स। आप सबके लिए मैं यही दुआ करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, घरों पर रहें, वीडियो लेक्चर्स देखिए और सीखिए। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग हैप्पी रहिए।